नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं रोली श्रीवास्तव आपको सुना रही हूँ लेखिका नीति सक्सेना जी की कहानी, ये तेरी सादगी। विदिशा कॉलोनी में आज सुबह से थोड़ी गहमा गहमी थी। कॉलोनी में रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज अजय आहूजा के बंगले को फूलों और लाइट की झालरों से सजाया गया था। 3 दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया से उनका बेटा सात्विक भारत अपने घर आया था 1 माह के लिए। आज उसका जन्मदिन था और उसी उपलक्ष में जज साहब ने बहुत बड़ी पार्टी रखी थी और अपने सभी खास दोस्तों को परिवार सहित आमंत्रित किया था, जो कि उच्च वर्ग से ही संबंध रखते थे। अजय जी का सबको बुलाने का एक खास मकसद यह भी था कि सात्विक उन उच्च वर्गीय संभ्रांत परिवारों की उन सुंदर लड़कियों से भी पार्टी में मिल लेगा जो अजय जी और उनकी पत्नी सुलक्षणा को पसंद थी, और दोनों चाहते थे कि उनमें से ही कोई उनके घर की बहू बन जाए। इस बार दोनों ने सोच लिया था कि सात्विक की शादी करवा के ही उसको वापस ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे। अजय आहूजा जैसे देश के जाने माने प्रतिष्ठित जज के घर की बहू बनना उस कॉलोनी की हर लड़की का ख्वाब था। सात्विक अब 30 वर्ष का होने जा रहा था आज अपने जन्मदिन पर। उसके माता पिता अब उसकी शादी को और ज्यादा नहीं टालना चाहते थे। विदिशा कॉलोनी में अधिकतर जज, स्थापित और प्रसिद्ध वकील, एडवोकेट और न्यायपालिका के उच्च अधिकारी ही रहते थे। बाकी कुछ बड़े बिजनेसमैन इत्यादि भी उस कॉलोनी में रहते थे और शहर के पॉश इलाके में वे कॉलोनी आती थी। धीरे धीरे हॉल में मेहमानों का आना शुरू हो गया। एक तरफ डीजे डांसिंग फ्लोर लगाया गया था। स्टेज पर कोई स्थानीय गजल गायक सुगम संगीत गाकर माहौल को संगीतमय बना रहे थे। सभी लड़कियां एक से बढ़कर एक आधुनिक परिधानों और मेकअप की परतों में आई थी। बैकलेस और घुटनों से ऊपर मिडी ड्रेसेस में कई ने डीजे पे म्यूजिक चलवा के डांस करना शुरू कर दिया। कई युवतियां बार टेबल से बियर, वोदका, स्कॉच, विस्की के ग्लास लेकर डांस करके खुद को अल्ट्रा मॉडर्न दिखा के सात्विक को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगी थी। सभी को पता था कि सात्विक का करोड़ों का पैकेज है ऑस्ट्रेलिया में, और सब यही सोच रही थी कि वो एक ऐसी मॉडर्न लड़की ही पसंद करेगा जो कि विदेश में एडजस्ट हो जाए। देखने में टॉल हैंडसम लड़का तो खैर था ही, वो सब सात्विक से इंग्लिश में ही बात कर रही थी और साथ ही उसको इम्प्रेस करने की कोशिश भी। तभी हॉल में अपने माता पिता के साथ चित्रलेखा ने प्रवेश किया। लो, बहन जी आ गई। जज उमेश जी की अल्ट्रा मॉडर्न लड़की टीना ने बगल में खड़ी अपनी सहेलियों से हल्की आवाज में कहा। सब हंस पड़ी। सब चित्रलेखा को उसके पीठ पीछे बहन जी कहकर उसका मजाक उड़ाती थी। चित्रलेखा शहर के मशहूर वकील उमाशंकर जी की बेटी थी, पर बहुत सादगी से रहती थी। ज्यादातर दुपट्टे वाला सूट या फिर डेनिम की जीन्स और सिंपल सफ़ेद टॉप, कमर तक लंबे बाल और कानों में 2 बड़े इयररिंग्स, बस यही उसका स्टाइल था। शहर की टॉप कॉलेज से MBA कर रही थी और बहुत ही कम बोलने वाली और बहुत ही बुद्धिमान, साहित्यिक रुचि रखने वाली लड़की थी। कॉलोनी की किसी भी लड़की से उसकी खास दोस्ती नहीं थी, क्योंकि उसकी रुचियां, रहन सहन और पसंद उन अत्याधुनिक लड़कियों से एकदम भिन्न थे। उसको अच्छा साहित्य पढ़ने के साथ साथ लिखने का भी शौक था। भारतीय और विदेशों के प्रसिद्ध लेखकों के प्रसिद्ध नॉवेल्स उसने पढ़ रखे थे और स्वयं भी हिंदी अंग्रेजी की पत्र पत्रिकाओं में समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखती रहती थी। भरतनाट्यम नृत्य भी सीख चुकी थी और अपने खाली समय में इन्हीं रुचियों में वे स्वयं को व्यस्त रखती थी। आज भी वह काले रंग की पैंट पर बादामी कलर का हल्की सी कढ़ाई किया हुआ लॉन्ग कुर्ता पहन के आई थी और गले में काला स्कार्फ लिपटा हुआ था।
चित्रलेखा देखने में गहरे रंग की पर आकर्षक तीखे नैन नक्श वाली युवती थी। उसकी सादगी ही उसको सबसे अलग और आकर्षक बनाती थी। उसका बात करने का अंदाज बेहद ही रोचक था और सामने वाले को आकर्षित किए बिना नहीं रहता था। लंबाई भी अच्छी खासी थी। अंग प्रदर्शन करने वाले कपड़े उसको कदापि पसंद नहीं थे और उसका मानना था कि एक स्त्री सदैव ढके हुए तन में ही गरिमामयी लगती है। उसके ये विचार उसके साथ की अन्य आधुनिक लड़कियों के गले नहीं उतरते थे और वो उसको पुराने विचारों वाली या फिर बहन जी कहकर चढ़ाती थी, पर उस पर उनके व्यंगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। जैसे ही अपने माता पिता के साथ उसने हॉल में प्रवेश किया, सात्विक का ध्यान बरबस ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। केक वगैरह कटने के बाद फिर से डांस चालू हो गया। आहूजा जी ने उमा शंकर, उनकी पत्नी और चित्रलेखा का परिचय भी अपने बेटे से करवाया और साथ ही बताया कि चित्रलेखा बहुत अच्छा गाना भी गा लेती है। कॉलोनी के क्लब में होने वाले प्रोग्राम्स में वे उसका गाना सुन चुके थे। तब सात्विक ने डीजे बंद करवा के चित्रलेखा से स्टेज पर आकर गाना सुनाने का अनुरोध किया। स्टेज पर आकर अपनी मधुर आवाज में जब चित्रलेखा ने बेगम अख्तर की मशहूर गजल ए मुहब्बत तेरे अंजाम पे गाई तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आज के जमाने की लड़की से लोगों को इतनी पुरानी गजल इतनी अच्छी तरह गाने की बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी। हाथ जोड़कर चित्रलेखा ने सबका धन्यवाद किया और मुस्कुराते हुए स्टेज से नीचे उतर गई। सात्विक ने तुरंत उसके पास आकर मुक्त कंठ से उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। दोनों में बातें होने लगी। उसके मानसिक स्तर और बात करने के तरीके से सात्विक बहुत ही प्रभावित हो गया। थोड़ी देर बाद डिनर शुरू हो गया। उधर सात्विक अपने मम्मी पापा को एक कोने में ले जाकर टेबल पर बैठी आइसक्रीम खाती चित्रलेखा की तरफ इशारा करके कहने लगा कि उसे ये लड़की बहुत पसंद है, एकदम सिंपल सोबर। उसे फैशनेबल डॉल नहीं, एक परिष्कृत रुचि रखने वाली समझदार बुद्धिमान जीवन संगिनी चाहिए। यदि चित्रलेखा के माता पिता राजी हो जाते हैं तो वह इसी सादगी की मूर्ति से ही शादी करेगा। अजय आहूजा और उनकी पत्नी भी उसकी पसंद से संतुष्ट होकर उमा शंकर जी की तरफ बढ़ गए, उनको अपनी इच्छा बताने के लिए। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे रोली श्रीवास्तव की आवाज़ में लेखिका नीति सक्सेना जी की कहानी ये तेरी सादगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।